अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक रिक्वायरमेंट हमारे पास है, ये ओमान के लिए है। अगर आप ओमान जाना चाहते हैं और सुपरमार्केट में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, जब आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं पूरी जानकारी आपको मिलती है, फिर उसके बाद आपको कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है ओमान के लिए है नेस्टो सुपरमार्केट का। नेस्टो सुपरमार्केट में जो नेस्टो सुपरमार्केट है ये गल्फ की काफ़ी बड़ी कंपनी है। आपको हर कंट्री में, गल्फ की हर कंट्री में आपको नेस्टो शॉपिंग मॉल सुपरमार्केट आपको मिल जाएगा। तो नेस्टो में आपको जो है सुपरमार्केट वर्कर के तौर पर काम करना है, सुपरमार्केट हेल्पर के तौर पर काम करना है। एक हेल्पर को सुपरमार्केट में क्या काम करना होता है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इस बात को आप समझ लें, क्योंकि जाने के बाद फिर ये कहना और जो है ये समझना कि पूरी बात हमको बताई नहीं गई, पूरे काम हमको समझाया नहीं गया और हमारा अप्लाई कर दिया गया, हम आ गए। इससे बेहतर है कि जब भी आप अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें, हर एक बात को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप गल्फ जाएं। तो दोस्तों नेस्टो सुपरमार्केट में अगर आप हेल्पर के तौर पे अप्लाई करेंगे तो हेल्पर में आपको काम करना होता है, जैसे कि तीन कैटेगरी होती है, इन तीनों कैटेगरी में आपको काम करना ही करना पड़ेगा। इसमें आप मना नहीं कर सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप जा ही रहे हैं हेल्पर कैटेगरी में, लेबर कैटेगरी में, वर्कर के तौर पर जब आप जा रहे हैं तो सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे, जैसे कि क्लीनिंग का काम है, लोडिंग एंड लोडिंग का काम है, पैकिंग का काम है, इन तीनों कैटेगरी में सारे काम आ जाते हैं। अब सुपरमार्केट में अगर आप वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपका काम है माल लगाना, आपका काम है माल की एक्सपायरी चेक करना, आपका काम है कस्टमर को माल उठा करके देना, आपका काम है पैक करना, आपका काम है क्लीनिंग का काम करना, जैसे कि काउंटर साफ करना, डोर साफ करना, फर्श साफ करना, इस तरीके का बहुत सारा काम होता है जो आपको करना होता है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कंपनी आपको 100 ओमानी रियाल सैलरी देगी, प्लस 20 ओमानी रियाल खाने का देगी, रूम, इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इसमें जो कंपनी आपसे ड्यूटी कराएगी वो 10 घंटे की है, 1 घंटा आपका लंच है, तो टोटल 11 घंटे हो गए। अगर आप 11 घंटे के बाद ड्यूटी करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, वो आपको ओवरटाइम मिलेगा। वैसे 11 घंटे ड्यूटी खुद ही इतनी लंबी ड्यूटी है कि इसके बाद ओवरटाइम करना बहुत मुश्किल होता है। ये हो सकता है कि आप 1 घंटा ओवरटाइम कर सकें, 12 घंटा टोटल ड्यूटी कर सकें। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहें, ओमान सफर करना चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस विजिट करें। इसमें जो कैंडिडेट हमें चाहिए वो कम से कम ECNR होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, ECNR पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए, इंग्लिश लिखना पढ़ना आता हो, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ जाइए। हमारा ऑफिस लखनऊ में है, दारायण ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।